नारद संचार के हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड मूल के निवासियों की एक संस्था गढ़वाल हितैषणी सभा, जो कि दिल्ली में काम करती है। दिल्ली के पंचकुला रोड पर इसका कार्यालय है और ये बहुत पुरानी संस्था है। इसकी स्थापना के इस साल नवंबर में 100 साल पूरी हो गए, तो इस उपलक्ष में एक कार्यक्रम यहाँ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें गढ़वाल क्षेत्र के उत्तराखंड के, आप कहिए उत्तराखंड के गौरव गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपनी प्रस्तुति दी। उनके कार्यक्रम को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। शुभकामना दे दूँ और एक साथ ही आप सब लोगों का वास्ता, प्रवासी लोगों का वास्ता, एक शुभकामना को एक गीत निकालो छो लाइव बटोगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश भेजा था सभा के लिए, उसको भी पढ़ा गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऑनलाइन जो है कार्यक्रम से जुड़े और उस कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया।
गढ़वाल हितैषणी सभा पंजीकृत दिल्ली ने नवंबर 2023 में अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए। एक बड़ी अवधि होती है 100 साल, किसी भी संस्था के लिए एक छोटा कार्यकाल नहीं, एक बहुत बड़ा कार्यकाल है। और इसीलिए हमने भी ये सोचा कि नारद संचार के दर्शकों को भी इसके बारे में बताया जाए। इस अवसर पर जो तालकटोरा स्टेडियम में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पहुंचना था, लेकिन ये उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में जो मजदूर फंसे हैं उनके लिए, उनके बचाव के लिए जो युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चल रहा है, तो उसमें वो व्यस्त, वहाँ पर व्यस्त हो गए, इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए। और हालांकि कुछ और गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे थे, जैसे कि गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत वहाँ पे आए, कुछ उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद बंसल साहब वहाँ पे आए, और कला और संस्कृति साहित्य से जुड़े कई लोग वहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उनका मान सम्मान किया गया। हालांकि एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम में जितनी भीड़ होनी चाहिए थी उतनी भीड़ हमें देखने को नहीं मिली। स्टेडियम से बाहर जो स्टेडियम का परिसर था, वहाँ पर जो उत्तराखंड के व्यंजन थे, मंडवा, गैत, भट्ट, झंगोरा इस तरह, और जो गढ़वाल के पकवान हैं जैसे गैत के पकोड़े, दाल के पकोड़े, गैत की रोटी, चाय वगैरह के स्टॉल, उत्तराखंड की टोपी और कुछ अन्य कपड़े, जो स्टॉल लगा गए वो अच्छा, उसमें लोगों का जो है रुझान देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को जो अपना संदेश भेजा, उसमें गढ़वाल हितैषणी सभा के 100 साल पूरे होने के मौके पर उन्हें बधाई दी, और इस सभा से जुड़े सभी लोगों को उनको हार्दिक बधाई दी, और ये कहा कि जन भागीदारी के जरिए सभा द्वारा किए जा रहे सभी कार्य जो है सराहनीय हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने शाम को ऑनलाइन जुड़कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों के जल्द बाहर निकलने की भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि तमाम केंद्रीय और राज्य एजेंसियां, विशेषज्ञ और कई लोग जो है सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकलने के प्रयास में लगे हैं। भारत सरकार, उसकी एजेंसियां इस पर ध्यान दे रही हैं, और भगवान से प्रार्थना है कि हमारे सभी श्रमिक भाई जल्द से जल्द बाहर निकलेंगे। मुझे सभा के कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन इस कार्य में जो श्रमिक वहां फंसे हुए हैं उस कार्य में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाया। उन्होंने अपने छोटे संबोधन में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उत्तराखंड में किए जा रहे तमाम विकास कार्यों के बारे में संक्षेप में बताया, और ये कहा कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड के प्रति काफ़ी लगाव रखते हैं और ये उत्तराखंड के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में, ये कार्यक्रम 11 बजे के करीब शुरू हो गया था और शाम को करीब 7 बजे काफ़ी इंतज़ार के बाद जो उत्तराखंड के गीतकार हैं, गायककार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गीतकार, संगीतकार, लेखक, साहित्यकार गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी ने अपनी जादुई आवाज में गढ़वाली गीत गाकर स्टेडियम में लोगों का, उपस्थित जो भी लोग थे उनको प्रफुल्लित कर दिया, सरोबार कर दिया। काफ़ी देर से लोग उनका इंतजार कर रहे थे, कई लोग तो इंतजार करते करते घर जा चुके थे। स्टेडियम जो जितनी पहले, हालांकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, पूरा भरा, खचाखच नहीं भरा हुआ था, लेकिन जितने भी लोग थे उनमें से भी कई अपने घर जा चुके थे, लेकिन नेगी जी के आने के बाद थोड़ा लोगों का उत्साह उसमें जागा। नेगी जी ने सबसे पहले जो प्रवासी उत्तराखंडी लोग दिल्ली और शहरों में रह रहे उनके लिए लागी बडोली अपना गीत जो गाया, उत्तराखंडी प्रवासी भय बंधु जी रया जागी रया लागी बडोली, इसमें उन्होंने जो इसकी एक लाइन है कि तुमरू बाटू बाटा हिना छा तिबरी डंडियादी जगवाद कना छा बरसु बटे दू धुपड़ू ने कैरी तुम्हारा कुल दे देवता बुना छा, मतलब एक उनको एक प्रेरित किया है जो लोग हैं कि आप जाइए अपने
जो कुल देवता वगैरह है उनकी याद खबर कीजिए, उनको एक गांव जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये सभा जो है गढ़वाल इतिहासनी सभा, इसके 100 साल पूरे होने के अवसर पर भी एक गाना गाया है, बदे हो बदाही सतायु हो गया ही गढ़वाल इतिहासनी सभा दिल्ली। उनकी आवाज़ एक जादुई वाली आवाज़ है, उनकी आवाज़ एक उत्तराखंड के जो संस्कृति है, जो बोलचाल है, जो वहाँ का, उस पर बिल्कुल फिट बैठती है उनकी आवाज़, इसलिए उनके गीतों को लोग बहुत पसंद करते हैं और फिर उनके गीत भी अपने आप में बहुत सुंदर हैं। आखिरी में उन्होंने मेदा थोलो मा थोला रोलो मा सज धजी जानी वेली रगड़िया दी आंखी ढक दया दी जुकड़ी कैथे खुजानी वेली, बहुत अच्छा चित्रण किया है। गाँव में अक्सर क्या कि पहाड़ों में महिलाएं अकेली रहती हैं, पूरा काम काज करती, खेती बाड़ी का, अपने गाय भैंसों का, तो उनकी क्या सोच है, क्या उनकी दिनचर्या, उसके हिसाब से क्या उनकी समस्याएं, वो सब उन्होंने बताया। इससे पहले कार्यक्रम में कई लोगों का मान सम्मान भी किया गया, गढ़वाल के जो विभूतियाँ हैं, बड़े बड़े उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं और जो संस्था है उनका मान सम्मान किया गया और उन्हें गढ़वाल इतिहासनी शताब्दी सम्मान समारोह भी एक उसकी शुरुआत की गई। बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ, बड़े ट्रॉफी की तरह जो है वो उनको भेंट की गई और इसके साथ ये कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। सभा के अध्यक्ष अजय बिष्ट ने बताया कि गढ़वाल इतिहासनी सभा की स्थापना वर्ष 1923 में अविभाजित भारत की तत्कालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला, ग्रीष्मकालीन गर्मियों में शिमला में चले जाते थे अंग्रेजों के ज़माने में राजधानी, तो नवंबर 2023 में हुई थी और ये अपनी स्थापना के स्वर्णिम 100 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा जो है गढ़वाल इतिहासनी सभा ने पूरी की है और ये समूचे उत्तराखंड समाज के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है। सभा के महासचिव मंगल सिंह नेगी और कोषाध्यक्ष गुलाब सिंह ज्याला सहित समूची कार्यकारिणी ने सभा के शताब्दी वर्ष समारोह में अपना भरपूर योगदान दिया और उनका सम्मान किया गया। मैं सभा से लोगों से मैंने ये अपील की थी कि बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि हमने अभी दिल्ली NCR में जितनी भी हजारों संस्थाएं हैं उनकी जो मीटिंग बुलाई गई थी और उन लोगों ने जो सभा का साथ दिया उसका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आजीवन सदस्य उत्तराखंड के वे मूल जो उत्तराखंड से आते हैं उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हमें इसमें अंशदान किया है, इस आहूति दी है, इसमें उनका मैं भी विशेष आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जनता से भी आप अपील करते हैं कि और ज्यादा योगदान करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर सवाल, जनता से तो हमारा बराबर और रहा है कि आप सहयोग करें कि एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर आप एक 2 रुपए देंगे तो इससे हमारे लाखों घरों की उसमें एक आहूति होगी और उसके लिए भी मैं जनता का आभार करता हूँ। नेगी जी, आप हैं महासचिव मंगल सिंह नेगी। नेगी जी, मैं एक चीज और ये जानना चाहता हूँ कि इतनी पुरानी संस्था है लेकिन जो नई पीढ़ी है उसको इसकी सदस्यता के बारे में, इसमें कौन लोग सदस्य बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं। बिल्कुल ठीक है आपने। तो क्या आप इस 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस दिशा में कोई कदम उठाने जा रहे हैं? मैं आपकी जानकारी में सोशल मीडिया के जरिए से आप लोगों के जो प्रयास बराबर हमको मिलते रहे उससे ये संदेश देना चाहता हूँ कि 25 नवंबर के बाद सभा उन आजीवन सदस्यों का यहाँ उनके सदस्य बनाएंगे जो उत्तराखंड नहीं गढ़वाल के लोग हैं, क्योंकि गढ़वाल मूल के ही लोग यहाँ के सदस्य बन सकते हैं क्योंकि हमारा संविधान उस तरह का ही बना। हम तो चाहते थे कि पूरा उत्तराखंड बने लेकिन जो संविधान की एक मर्यादा होती है, संविधान का एक स्टैंड होता है, उसमें हम चलेंगे और 25 नवंबर के बाद हम उसी पे काम करेंगे, इस दिशा में कदम उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसा आपने कहा यूथ जुड़े जी जी, और उन यूथ को पता लगे कि हमारी अगर सभा है, उन पूर्वज, उन लोगों ने, आप देखिए ना 1923 और आज 2023, 100 साल पहले जब उन लोगों ने इसकी नींव रखी होगी तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कैसे वो लोग होंगे। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि हम निमित्त मात्र हैं जी। वो लोग हमारे लिए एक इतने आदरणीय और इतने ऐसे लोग हैं कि जिसकी मैं कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मैं उनको बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि वो हमें हमारे हमेशा मार्गदर्शक रहे।
तो 25 नवंबर के बाद आप जो है सभा के नए सदस्यों की दिशा में कदम उठाएंगे। जी, जी बिल्कुल। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जन जन की आवाज में बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार आप सब। इस दौरान युवा फिल्मकार और गीतकार जुबिन नौटियाल वो भी पहुंचे, लोग काफी लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। जुबिन नौटियाल गढ़वाली गाने नहीं गाते, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पर तो यानी चिट्ठी की लेनी भेजी, एक गढ़वाली गीत की कुछ पंक्तियाँ गाई। रेशमा शाह ने जौनसारी गीत गाया और रेखा दसमाना मुनियाल अच्छी गायिका हैं उत्तराखंड की, उन्होंने ये दर्जी दीदा मैं पुणे अंगड़ी बने दे गीत गाकर अपनी आवाज का जादू बिखेरा। हमारे सामने इस समय खड़े हैं उत्तराखंड के बहुत ही उदयमान और युवा गायक पंकज पांडे, जिनकी बहुत ही अच्छी सुरीली आवाज़ है, और आज उन्होंने गढ़वाल हितेश्वरी सभा के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी है। तो हम उनसे बात करते हैं। पंकज जी, आप कब से इस गायन क्षेत्र में काम कर रहे हैं? जी नमस्कार, मैं बचपन से ही इस क्षेत्र में कोशिश कर रहा हूँ। पहली बार मैंने एक जी को सुन के गाना शुरू किया था, और आज मेरा सौभाग्य देखिए कि आज उनके सामने मुझे गाने का मौका मिल गया। जी आप जैसा कि हमने सुना कि आप रुद्रप्रयाग जिले से हैं, पौड़ी से, बागेश्वर जिले से हैं, तो आपने कहाँ कहाँ अपनी प्रस्तुति दी है? आप क्या इधर और दूसरे कार्यक्रमों में भी जाते हैं? पहले तो स्कूल टाइम पे, उसके बाद कॉलेज टाइम पे आए, उसके बाद उत्तराखंड के दो रियलिटी शोज हैं युवा शो, उसका मैं विनर रहा था, और उसके बाद म्यूजिक आप डालेंगे तो आपको। जी, आपने क्या किसी उत्तराखंड की फिल्म में भी कोई गायन का कार्य किया? फिलहाल अभी तक तो नहीं गाए, बट हमारी आपके साथ बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपको जल्द ही हमारे उत्तराखंड के जितने भी दर्शक हैं किसी फिल्म में अच्छा कोई आपका गाना, क्योंकि मैंने भी सुना है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए कि आप बुद्धिमान हैं। आप कितने साल के हैं अभी? मैं 24 साल। 24 साल। आपने पढ़ाई लिखाई? अच्छा, साथ में म्यूजिक भी करता हूँ, और आशीर्वाद बना रहे, मेन बात ये है। और दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि नारद सरकार जरूर करें, क्योंकि देखिए संस्कृति का प रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है, जो है आप तक हमारी आवाज़ मेरा आपसे निवेदन होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ONGC की निदेशक सुषमा रावत समारोह में पहुंची थी और उन्होंने गढ़वाली भाषा में अपना संबोधन दिया तो लोगों का मन मोह लिया। उन्होंने कहा कि ONGC उत्तराखंड में अपनी गतिविधियां आगे बढ़ा रही है, वहां भू तापीय ऊर्जा का पता लगाकर उसका दोहन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं से कहा कि अपनी जड़ों को नहीं भूले, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जन्मभूमि को याद रखें, क्योंकि उत्तराखंड आज भी देश को बेहतर मानव संसाधन उपलब्ध करा रहा है। तो कुल मिलाकर कार्यक्रम ठीक ठाक रहा, और ये 100 वर्ष का कार्यकाल उत्तराखंड की ये जो संस्था है इसने पूरा किया, ये अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। हमारे दर्शकों को नमस्कार। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।